आज हम लोग देखने वाले हैं साउथ की एक ऐसी जॉम्बी फिल्म को जिसे मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा, और इवन तो आपने इसे ना भी देखा हो तो भी जिस तरह से इसमें आउटब्रेक का क्योर मिलता है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक होता है। ये जॉम्बी एपोकलिप्स तमिलनाडु में होता है तो सिचुएशन पूरी तरह से उसी के अकॉर्डिंग होते हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो फिल्म शुरू होती है और हमें दिखता है एक वार्निंग का बोर्ड जिसमें लिखा होता है कि ये जहरीला वेस्ट स्टोरेज एरिया है, और हमें एक केमिकल की फैक्ट्री दिखती है जहाँ कुछ वर्कर्स हजारों केमिकल वेस्ट से भरे ड्रम को ट्रक में लोड कर रहे होते हैं, पर उसमें से एक ड्रम से टॉक्सिक केमिकल गिर जाता है जिसे बाद में कुत्ता चाट लेता है। अब रात का सीन होता है और सिक्योरिटी गार्ड घर जा रहा होता है, पर वही कुत्ता उसे रास्ते में मिलता है जो अब जॉम्बी डॉग बन चुका है और काफी एग्रेसिव है, सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक कर देता है। तो चलो जानते हैं कि इस फिल्म में आगे क्या होता है, इस फिल्म में वायरस कैसे फैलता है, क्या गार्ड भी जॉम्बी बन चुका है, इसके हीरो हीरोइनी जिंदा बच भी पाते हैं या नहीं, और आखिर जॉम्बी इसमें किस तरह के दिखते हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, मैराथन मूवी का पोस्टमार्टम करेगा ये मंदबुद्धि पालक। अब बड़ा ओल्ड तरीके में फिल्म का इंट्रो आता है और वो सिक्योरिटी गार्ड घर में खाना ठूस रहा दिखता है, और तभी उसकी माँ के कुछ बोलने पर वो अपनी माँ और वाइफ दोनों को ही अटैक कर देता है। अब उसकी वाइफ काटे जाने के बाद घर से बाहर निकल जाती है और भागते हुए उसे सड़क पर कुछ गुंडे दिखते हैं जो उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन तभी वो उन्हें भी काट लेती है। अब सीन स्विच होती है और हमें दिखती है अपनी हीरोइनी जिसका नाम है रेणुका, ये डॉक्टर बनने पर ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रही है, और फिर हमें अपना हीरो दिखता है जो ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। अपना हीरो यानी कि कार्तिक अपनी बहन विद्या के साथ रहता है और दोनों ही अनाथ है। खैर, कार्तिक और उसका दोस्त नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं कि तभी रेणुका और उसका फियोंसे डॉक्टर नवीन आते हैं, और चूंकि उसके फियोंसे ने पी रखी होती है इसलिए कार्तिक थोड़ी देर उनके साथ मस्ती करता है एंड उन्हें छोड़ने के लिए पैसे भी लेता है। बट हमें पता चलता है कि जब दोनों यानी कि रेणुका और कार्तिक हॉस्पिटल में मिले थे तो कार्तिक को रेणुका इतनी पसंद आ गई थी कि उसने उसकी तस्वीर अपने वॉलेट में भी रखी है। खैर, अगले दिन सुबह कार्तिक की बहन विद्या नहीं मिलती और हमें पता चलता है कि जॉम्बीज का आतंक बढ़ गया है। कार्तिक विद्या को ढूंढने बाहर जाता है, उस पर एक जॉम्बी हमला कर देता है। किसी तरह कार्तिक सिचुएशन पर काबू पाता है और उसे उसके दोस्त का कॉल आ जाता है जो बताता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और पुलिस स्टेशन में उसे बुलाया गया है। यहाँ पुलिस स्टेशन में एक सीनियर ऑफिसर इस वायरस के बारे में ज्ञान दे रहा होता है कि इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद हमारे ब्रेन का सिर्फ बैक पोर्शन ही वर्क करता है जो हमसे जानवरों जैसा हरकत करवाता है। सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि ये वायरस रेबीज जैसा है, और यूरोप में एक जगह पर जब ये वायरस फैला था तो वहां के 4000 में से कुल 4000 लोग मारे गए थे। इसलिए यार मैं भी कहता हूं कि ज़ॉम्बी वॉरियर्स बी रेडी फॉर द फ्यूचर, क्योंकि और भी कई वायरस हमारे सामने आने वाले हैं। खैर, वहां पर एक पुलिस भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो दूसरे पुलिस को काट लेता है, और फिर दोनों को ही सीनियर ऑफिसर वहीं शूट कर देते हैं। बाकी उस सिटी में सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर देना है ताकि वो इस वायरस को कंटेन कर सके। कार्तिक अब अपनी बहन को हर जगह ढूंढ रहा होता है कि उसे कोई कॉल करके एक घर में आने को बोलता है। उस घर में कार्तिक को रेणुका और कुछ महाराष्ट्र से आए हुए डॉक्टर्स दिखते हैं जो एक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, और जब वो कोयम्बतूर पहुंचेंगे तो इस वायरस का इलाज निकाल सकते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि वैद्या को रेणुका के पापा जो मिनिस्टर है उसके कुछ गुंडों ने उठवा लिया था, क्योंकि एक बार उनके पब्लिक अपीयरेंस के दौरान कार्तिक ने एक प्रेग्नेंट लेडी को जाने के लिए अलाउ कर दिया होता है। खैर, रेणुका कार्तिक को सभी डॉक्टर को कोयम्बतूर ले जाने के लिए बोलती है, और इधर कार्तिक रेणुका के घर में ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए फाइनली अपनी बहन से मिलता है। यहाँ हमें इन ज़ॉम्बीज़ के बारे में दो चीजें पता चलती हैं। पहली कि ये ज़ॉम्बीज़ साउंड से मेजरली अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा कि चूंकि इन्हें कुत्ते ने काटा है तो ये वायरस रेबीज से सिमिलर है जिससे इन ज़ॉम्बीज़ को भी पानी से डर लगता है। अब कार्तिक के साथ उसका दोस्त बहन मिनिस्टर और कुछ डॉक्टर्स भी कोयम्बतूर के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में एक बैरिकेटिंग में खड़े पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर मिनिस्टर अपनी पॉलिटिकल पावर से वहां से निकल जाता है। खैर, आगे चलते हुए एक दूसरे डॉक्टर के शर्ट पर खून लगा दिखता है, और ये देखते ही लीड डॉक्टर उसे बाहर फेंक देता है क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज ने काटा होता है और वो जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला था। एंड फिर वो सबको बाइट मार्क चेक करने को बोलता है, पर हमें दिखता है कि डॉक्टर खुद भी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो इस बात को छिपा लेता है और किसी को पता नहीं लगने देता। अब सभी कोयम्बतूर पहुंचते हैं, पर वहां ऑलरेडी वायरस फैल चुका होता है, और कई ज़ॉम्बीज को शूट करने के बाद भी ज़ॉम्बीज कम नहीं होते और सब वैन को घेर लेते हैं। ये देख कार्तिक वैन को स्पीड से चलाता है और फाइनली ज़ॉम्बीज को गिरा देता है। खैर, अब सब जगह शांत लग रहा था, और शांति देख मिनिस्टर गाड़ी से उतर जाता है, और तभी उस पर एक ज़ॉम्बी पीछे से हमला कर देता है जिसे कंट्रोल करने के लिए कार्तिक गोली चलाता है, और करता है सबसे बड़ी वाली गलती,
जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी सबसे घटिया मिस्टेक्स वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख लेना। तो उसके शॉटगन की आवाज से आसपास के सभी ज़ॉम्बी उस जगह को घेर लेते हैं और देन क्या होता है, यू गाइस नो इट ऑलरेडी, हर जगह की ओर सब भाग रहे हैं, ज़ॉम्बीज मर रहे हैं, पर क्या अब हीरो हीरोइनी बच पाएंगे और आगे क्या वैक्सीन मिल पाएगा? उसे जाने से पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नो वन। मुझे तो बस इतना कहना था कि वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट 4000 लाइक्स का है, और कमेंट कर देना डेयरिंग रखवाला। नाउ बैक टू योर टॉपिक। अब इस सब भागदौड़ी में उनका ड्राइवर इन्फेक्टेड हो जाता है, इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, पर किसी तरह फाइनली ये सब हॉस्पिटल के सामने वाली मॉल में पहुंच जाते हैं। अब सब हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता देख रहे होते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर उन्हें बड़ा ज़ॉम्बी होर्ड दिखता है एंड फिर वो बेसमेंट से जाने की कोशिश करते हैं एंड देन उन्हें एक वॉचमैन मिलता है जिसे बाहर का कुछ भी आइडिया नहीं होता। कार्तिक उसे बाहर का सिनेरियो दिखाता है और फिर हॉस्पिटल तक सेफली जाने के लिए रास्ता पूछता है। अब ऐसा करने के लिए वो सभी दुकानों को खुलवाता है ताकि वो कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स ले सके, जैसे कि रस्सी और इन सब जैसी चीजें। पर यहां आती है सबसे बड़ी मुसीबत, क्योंकि डॉक्टर में अब वायरस काम करना शुरू कर देता है, मतलब कि अब वो ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और वो डॉक्टर ज़ॉम्बी बनते ही विद्या को काट लेता है। कार्तिक डॉक्टर को शूट करता है एंड बहन को अपने साथ ले जाता है और यहाँ होता है एक जादू, विद्या ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। मिरेकल। और रेणुका विद्या का ब्लड सैंपल लेने के लिए उसके पास जाती है। विद्या रेणुका को बोलती है कि मैं तो ज़ॉम्बी बन जाऊंगी, इसलिए तुम भैया के वॉलेट में जिस लड़की की तस्वीर है उससे भैया की सेटिंग करा देना। तभी रेणुका बोलती है कि तुम्हारे बॉडी में वायरस पूरी तरह से फैल चुका है पर तुम इन्फेक्ट नहीं हुई, मतलब तुम स्पेशल हो। और इधर नवीन आकर बताता है कि अगर विद्या अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है That means she is the cure, और उसी से वैक्सीन बनेगी। अब फायर एक्सटिंग्यूशर की हेल्प से पानी की फोर्स से कार्तिक ज़ॉम्बी को अलग करते हुए रेणुका को छोड़कर सबको हॉस्पिटल सेफली पहुंचा देता है। पर दूसरी बारी में जब वो रेणुका को बचाने के लिए वापस आता है तो ज़ॉम्बी उसे काट लेते हैं, पर फिर भी कॉन्शियसनेस के रहते हुए रेणुका को वो बचा लेता है और वो ज़ॉम्बी में कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रेणुका उसे शूट कर देती है। खैर इधर दिखता है कि डॉक्टर ने विद्या के ब्लड सैंपल से एंटीडोट बना लिया है और उधर तभी रेणुका उसके वॉलेट में देखती है और समझ जाती है कि कार्तिक उससे ही प्यार करता था। अब दो दिन बाद का सीन दिखता है और हमें ज़ॉम्बी बना कार्तिक दिखता है जो बस में चढ़ा हुआ है और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। खैर ये तो बात रही जब तमिलनाडु में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो क्या सिनेरियो रहेगा, पर अगर आपको ये जानना है कि मुंबई में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया तो कैसा हाल होने वाला है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।